देख के बिल्कुल नहीं चलना। अभी उतर गया लक्की जी। शांत शांत बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, किसी से नहीं झगड़ना। हाँ किसी से नहीं झगड़ना है, शांत एकदम शांत बैठो। हाँ क्या लड़ने की। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए एंड लक्की रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे और छोटे बच्चों से झगड़ते हुए जा रहा है। वैसे तो कहते हैं लेबराडोर किड्स फ्रेंडली डॉग है, बट मेरा लक्कू तो बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं करता है। जहाँ बच्चे दिखते हैं ना लक्की चिढ़ जाता है, उनसे भौंकने लगता है। हाँ आगे नहीं जाना है, मम्मा के पास नहीं जाना है बेटा। अब तुम बड़े हो गए, लक्की को अभी तक नहीं लगता कि लक्की बड़ा हो गया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आगे जाके बताएंगे आपको, पहुँच के बताएंगे। अभी तो हम लोग घर से जस्ट निकले ही हैं। लक्की को देखकर लोग रिएक्ट करते रहते, लक्कू मम्मा के पास जाने को नहीं मिला तो डैडू के पास गया और उसके बाद मेरे पास आ गया है। मेरे फेस पे कगाई लग गई बेटा, देखता चलेगा इंसान रहेगा। अब शांति से रहना भैयो, नहीं तो घुम्मी नहीं लेकर आएंगे। ओके बेल्ट भी छोड़ दो मेरा, उसको काटता था। नहीं मैं तो बेल्ट के बगैर जाऊंगा, मुझे बांधो मत। आज दुकान पे भी गया था ना तो ऐसे ही करता था। ये देखिए जाम का बगीचा है यहाँ पर। अभी हम लोग एयरपोर्ट रोड पे हैं और इधर बहुत सारे फार्म्स हैं एंड ये देखिए यहाँ बहुत सारे जाम लगे। यार ये लोग इतने येलो वाले क्यों बेचते हैं जाम? एकदम वो गद्दर जाम रहते हैं ना, वही है सावेर के जाम तो फेमस है, वो उधर के अच्छे लगते हैं जाम। आज देखिए मैं इयररिंग्स पहनना भी भूल गई हूँ। उस दिन डैडू के बर्थडे के लिए उतारी थी एंड देन फिर वो दखी रह गई, मैंने पहनी नहीं अपनी गोल्ड वाली जो इयररिंग है ना, तो ऐसा सुना सुना लग रहा है, कान अजीब सी लग रही हूँ मैं बगैर इयररिंग्स के। देखो मामा मुझे हमेशा पहनती हूँ ना, तो इसलिए आज कुछ अजीब सा लग रहा है चेहरा। आते आते भी लक्की जी के काम में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि याद ही नहीं रहता कि कुछ पहनना है कि क्या करना है। लक्कू बैठ जाओ बेटा, इस बागी बागा ना कर लो। अब हम सभी लोग यहाँ पर भुट्टा पार्टी कर रहे हैं। सावेर सावेर चौपाटी पार्टी, देखिए भुट्टा पार्टी चल रही है सावेर की चाट चौपाटी पे। पर उसका भुट्टा बहुत गर्म है। उसमें नींबू है, वो वाला नहीं खा पाओगे तुम, ये वाला खा। अपना वाला लो बेटा। ये वाला खा। लक्की को पसंद आएगा, उसने एक दाना ही खाया। हाँ ये देख लक्की दिख रहा है। हाँ वो आपका भुट्टा है ना, खा लो बेटा, ये अच्छा नहीं है, ये नींबू वाला है बेटा। हाँ ये खाओ, ये बहुत फेमस और बहुत टेस्टी होते हैं। खाऊं? ये हमारा लक्की भी भुट्टे खाता है, देखिए धीरे धीरे। आइसक्रीम नहीं है जो चाटने उससे बेटा। पैसे पैसे हम दुकानदार के पैसे देना भूल गए थे, दुकानदार ने आवाज लगाई तो फिर उसे पैसे दिए गए। जाम के सर हम जाम देख रहे हैं लाल वाले, यहाँ सभी लोग भुट्टा पार्टी का आनंद लेते हुए।
अच्छे ना, इसके बाल देखो अच्छे लगे, ये अच्छे बीच वाले जाम अच्छे। कैसे दिए? दाम 50 रुपए किलो। 40 लगा, 3 किलो लेंगे, 40 रुपए लगा। अच्छा लगे तो इसमें तुम छाटो भैया, 2 किलो एक जगह पैक करना, 1 किलो अलग। ये हरे हरे एकदम हरे भी नहीं और पीले भी नहीं, मतलब ये जो चढ़ाए अच्छे हैं। वो मत लो लाल वाला। इधर भुट्टा पार्टी चल रही है, कुछ ही देर में जाम पार्टी चलेगी। ये हमारे लक्की महाराज हैं, ये आतंक मचाते रहते हैं। हाँ तेरा बोल दिया ना मैंने। अरे तू इधर तुम अपना भुट्टा क्यों नहीं खा रहे? एक किलो तुम्हारा ले जाएंगे। इधर और आप लोग देखो, लक्की के लिए मैंने उस कॉर्न लिया, बट उसे खाना वही है जो मैं खा रही हूँ। अरे इसको, हाँ आप खा रहा है, ये क्या किया तुमने? बूटा पूरा खा रहा है? हाँ खा लेता है, पर उसको पहले उसको पहले से खा के से दिखा दो तो खा लेता है कि ऐसे खाना है। कॉर्न तो उसके फेवरेट है ना बाबू? कॉर्न तो फेवरेट है, ये यहाँ पर दाना घर में बैठ जाता है ना। हाँ तो खाएगा वो, अभी क्या गाड़ी में वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये तो उसका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, एक भुट्टे को पूरे दिन लगा देता है। हम लोग आए हैं सांवेर के फेमस उल्टे हनुमान मंदिर, और जो आपको आवाज़ें आ रही है ना वो लक्की की है। एक्चुअली मम्मा एंड डैडू गए हैं दर्शन करने, और वो आएंगे फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक मंकी है, एक नहीं बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पर, तो उस वजह से लक्की को लेकर नहीं जा सकते हम बाहर, और डॉगीज भी हैं बहुत सारे, तो लक्की बहुत परेशान हो गया इस वजह से, क्योंकि मम्मा एंड डैडू बाहर गए और वो अभी भी गाड़ी में। हाँ बाबू पीछे नहीं जाना, पीछे गिर जाओगे ना। नहीं जाते। अब मैं दर्शन करने आ गई हूँ, मम्मा गाड़ी में लक्की के पास चले गए हैं, और डैडू अभी मंदिर में ही है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और आपको इस मंदिर की स्पेशलिटी बता देती हूँ, इन्हें उल्टे हनुमान जी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ही रावण राम जी और लक्ष्मण जी का किडनैप करके पाताल लोक लेके चला गया था, उस टाइम हनुमान जी ने इसी मार्ग से जाकर उन्हें पाताल से बचाया था, और इसीलिए मूर्ति भी यहाँ की उल्टी है, और इसीलिए इन्हें उल्टे हनुमान जी कहते हैं, ऐसी मान्यता है। और काफ़ी फेमस हो चुका है ये मंदिर, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, और हमारा प्रसाद भी चढ़ गया है। डैडू को पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं और टीका लगा रहे हैं। प्रसाद में हम लोगों ने जाम और केले चढ़ाए हैं, और यहाँ पर राम दरबार भी है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लोगों के दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं वापस से गाड़ी में। अभी तक तो लक्की ने आतंक मचा दिया होगा क्योंकि मम्मा के साथ अकेला है वो, और मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आप लोगों को बाहर से भी पूरे मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ, बहुत सुंदर मंदिर बना है, आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। आसपास घर भी बने हैं, बट इतना एरिया पूरा मंदिर का बहुत सुंदर और शांत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं, और डैडू उन्हें खाना खिलाने जा रहे हैं। छोटे छोटे भी बहुत सारे मंकीज हैं, और बड़े बड़े भी हैं, और पूरे मंदिर में आसपास जितने पेड़ हैं ना उनके ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और डैडू प्रसाद खिला रहे हैं उन्हें। और पास में जाने में थोड़ा सा डर तो सभी को लगता है, फिर भी उन्होंने एकदम पास में जाके खिलाया। मैं उनकी प्लेस पे होती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाती, मुझे बिल्कुल भी मतलब पास में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग वृंदावन गए थे तब वहाँ पर से एक मंकी ने मुझसे पर्स छीन लिया था, तब से मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ।
और ये वाला जो मंकी है काफ़ी ओल्ड एज था, और डैडू से प्रसाद देने खुद पास में गए फिर, और ना वो वहाँ पर इसलिए बैठा है कि जस्ट सामने हमारी गाड़ी में हमारा लक्कू बैठा है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और लक्की वहाँ गाड़ी में से चिल्ला रहा था मंकीज को देख कर। आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना शांति से बैठ के मंकी को देख रहा था वो वहाँ पर। हम लोग आ गए हैं घर, और डैडू और लक्की कर रहे हैं मस्ती रोज की तरह, और लक्की को नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है कि आज डैडू का भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। गॉड, इतना थक गया गुड्डा, इतना थक गया है। आज पहली बार भाग रहा है। कट्टू कट्टू ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर वो शांति दोस्त हमको परेशान करता है ना, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। मैं भागूंगा, लकी भाग रहा है, कहाँ भागेगा लकी? देखना वहाँ कॉर्नर पे जाके सोएगा जिससे आप उठ के ना सको। ले लकी, कहाँ जा रहे? सो जाओ सो जाओ, रेडू बुला दे ना बाबू, नहीं वो वहीं सोएगा देखना। नींद आ रही गुड्डा को, बहुत ज्यादा नींद आ रही। सो जाओ, अच्छा सो जाओ, कोई नहीं परेशान करेगा। हम लोगों का डिनर हो चुका है, एंड अभी बैठे हैं मम्मा और मैं, और लक्कू एंड डैडू सो चुके हैं। आप देखो लक्कू तो पीछे ही सो गया है, एंड डैडू बेडरूम में जाकर सो गए हैं। दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे इतना घूमने के बाद, दोनों ने बहुत मस्ती की घर पे और दोनों थक कर सो गए। और मेरा थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था तो मैंने बाम लगाया है, और थोड़ी देर हम लोग टीवी देखेंगे क्योंकि यही टाइम मिलता है पूरे दिन में हम दोनों को अच्छे से टीवी देखने का। सब लोग सोचते हैं कि घर में कोई काम नहीं देते, बट औरतें जानती हैं कि घर में कितना काम रहता है, औरतों को कितना टीवी देखने का टाइम मिलता है। तो यही टाइम रहता है जब घर में सब सो जाते हैं तो हम दोनों शांति से टीवी देखते हैं। और आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि वहाँ मंदिर जाकर आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत दिनों से मम्मा और मैं ट्राई करते थे, डैडू तो पहले भी होकर आ चुके हैं, 3-4 बार वो वहाँ जा चुके हैं, बट हम दोनों बहुत दिन से ट्राई करते थे। डैडू ने बर्थडे वाले दिन भी कहा था, उनके बर्थडे वाले दिन, कि तुम लोग चल चलो, बट मम्मा की हेल्थ इशू की वजह से नहीं जा पाए, वो इतना देर बैठ नहीं पा रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे बार बार। तो आज वापस से सुबह डैडू ने बोला तो मम्मा ने कहा कि कितना टालेंगे, और मंदिर के लिए टालना अच्छा भी नहीं रहता, तो उन्होंने कहा जैसे भी जाऊंगी जाऊंगी। बट अब उनको वहाँ दर्शन करके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मतलब मन से शांति फील हो रही है, और काफ़ी खुश भी हैं वो, और इतना थके भी नहीं जितना दो लोग थक गए हैं, उतना वो बीमार होने के बावजूद नहीं थके, अभी वो आराम कर रहे हैं। और बहुत चमत्कारी मंदिर है, और ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे साथ वहाँ दर्शन करके कैसा लगा। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमें अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और पूरा वीडियो देखने का आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि पूरा वीडियो देखने से हमारा वॉच टाइम भी बढ़ता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। थैंक यू, बाय बाय।